गाइस, आप कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। आज संकष्टि चौथ है, सबको संकष्टि चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा व्रत है और देखिए आज इतनी अच्छी धूप आ रही है बहुत ज़्यादा। गणपति भगवान की जय। माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वस, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बताने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत पत्र सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकट चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चले गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सुनारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिया की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पे चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक देव, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे छप हुआ कि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने धर्मराज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म वध के लिए योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बलि की चढ़ा दूं, जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से, हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। हे, मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया हूँ उसी तरह से वो निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने मैं आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि क्या बात है, ये किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ कि इस आवे में जानवर बल कहाँ से आए, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुमार के आवे में वैद्यपूर्ण मणि के समान हरी भरी धूप कहाँ से हो गई। बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना तो उसे भूख प्यास ही, यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा था मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि ब्राह्मणी वहां बिलकती हुई आ पहुंची। वह कुमार को कोसने लगी जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर अंबाती है, ठीक वही अवस्था में उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा
कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना ही कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, ध्यान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पोत्रों को सुख देने वाली सभी साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्काम भोगने लगे। जय गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। आज के व्रत की जय। आज के आनंद की जय। वेलकम गाइस, वेलकम बैक गाइस। देखिए ये पानी का लोटा है चंद्रदेव के लिए, थोड़ा दूध, कच्चा दूध, पानी, तिल और चावल। अब ऊपर चंद्रमा, चंद्रदेव आ गए, हम उनको अर्घ देने जा रहे हैं। ये दिया है, ये तिल है,